सकते हैं मेरी भाभी को, मुझे भाभी बता दिया, उसे नंद बता दिया यार। वो शादीशुदा है। अरे यार आज तो मेरी बेइज्जती हो गई। वो तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, बने रही है। और उस दिन हम लेने गए थे साग, आज लेने जा रही है दीक्षा मट्ठा, गांव की भाषा में, शहर की भाषा में छाछ। लेने जा रही है, चलो डब्बा तो लाई ना कमंडला, और उसे क्या अब इधर से चलो, इधर से चलो, इधर से चलो, पतली पतली गली, रास्ता अभी नहीं पता है। मैं बताऊंगी उनके यहाँ क्या करेंगे, जाके उनके यहाँ भी घूम लेंगे। ऐसे लग रहा है रिश्तेदारी में जा रही है, उनके यहाँ चलेंगे पहले और उसके बाद आगे जाएंगे। सच में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग, मेरे आने का मन करता है। मैं 4-5 दिन पहले आई थी, यहाँ का ब्लॉग डाली थी जो आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम फिर जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं ये बोल रही थी कि मतलब जाएंगे वहाँ पे छाछ की पूछ के आएंगे, मतलब छाछ मिलती, जानवर रखती है ना वो लोग, तो कह रही यहाँ पे अच्छी छाछ मिलती होगी, तो इसलिए मैं पूछ के आऊँ। मैंने चल यार चलते हैं, और कह रही थी क्या आ रहे हैं, मैंने ठीक है। देखो आगे आगे जा रही है ना दादी माँ, बहुत आगे चल रही है, 25 रुपये छोड़ गई थी इसलिए जा रही है। ये गट्ठा दिख रहा है दीदी दोस्तों कि हमारे सिर पर रख दो, मैं इसको रख के और एक वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। खेत गए बाबा बाजार गई माँ, अरे वाह, घर में अकेली आज देख लीजिए हमारे कोई फैन है इधर बुला रहे हैं, कह रहे दीदी इधर आ जाओ। और दीक्षा करी नहीं, पहले हम खाने की व्यवस्था करें उसके बाद आए। मानना पैसा सस्ता खेले, ए भगवान 25 रुपया याद है। और मतलब और हमने सोची, ये धनिया गड्ढी बना रही हो, बैठो बैठो चलो अंदर। और तुमने तो अंदर से ये लगा रखा है तार, नीचे से आ जाओ ना, नीचे से जा, घुस घुस नीचे से। ये तोड़ देगी खाम खाम में। देख सकते हो दोस्तों इधर धनिया की खेती है, और दीक्षा धनिया कटवाने जा रही है। उखाड़ते हैं, कटते कटते है ना दीक्षा, चल तू भी गड्ढी बना, बनाएगी कि नहीं तू है तो। देखो ये आराम का खवा देगी तुम्हें, लग रहा है इसकी शक्ल से लग रही है आराम से खवा देगी। और बदनाम कर रही है खाको। तो देख सकते हो उधर आंटी, आंटी बोलो भाभी बोलो, कट कर दूं। देख सकते हो हम लोग धनिया की खेती में आए हुए हैं, इधर भाभी बैठी है, इधर हमारी बहनी मान लो बहनी है। और वो देखो मोटी को देखो तो कैसे बैठी है। धनिया देख रही गड्डी बनवा चुपचाप, ए भाभी 1-5 रुपये गड्डी ये दी चला ले। आज पुस्ता बैठ के हम ही बेचे दोनों लोग। और कैसा लग रहा भाभी तुम्हें, अच्छा लग रहा है भाभी, मुझे भी बुला लेगा, नंबर ले लू मेरा, ले दे दो। सच में मैं तो डेली आ जा करूंगी, तो आया ना घूमने ना आया, पास में आता तो तेल लगाए तब आ जाएंगे। मैं तो कल लाई ना गाँव से, कल लाई हूँ, हम बन आए थे बाजन आए थे तो मिले थे तुम, झाड़ू नहीं लगा रहे थे। अरे यहाँ ये तीन बच्चे पीछे पीछे आई थी, तीन लड़की बराबर आई, शादी करने गए थे ना जी, का चीज है शादी कर करा के आई हो आराम से। प्याज है, प्याज नहीं जानती है क्या? अरे नहीं एक बेहू तो आता ना, मैंने तो बताई नहीं, ये दीछो जम बथुआ है, ले ले आज कड़ी बना लूंगी। देख सकते हैं मेरी भाभी को, मुझे भाभी बता दिया, उसे नंद बता दिया यार। वो शादीशुदा है। अरे यार आज तो मेरी बेइज्जती हो गई। वो ज्यादा लड़की बन के मत आया कर मेरे सामने, मांग ढक लेती है। अरे भाभी वही भाभी है मेरी। दोस्तों देख लीजिए हमारी भाभी, ये भाभी हमारी वो भाभी को लड़की बता रही है। तो इसे देख रहे हो, कह रही है मुझे खींचो, इतनी मोटी अगर लुढ़क निकल आई है ली। और अभी कमंडला लेगी, मांगेगी अभी मट्ठा, पैसे तो लाई नहीं है। देख सकते हो ये चोटी, मैं तो फर्स्ट बार देख रही हूँ। दीक्षा कह रही है मैंने भी बनाई थी, और मैंने ऐसे थोड़ी बनाई, कैसे बनाई थी मैंने, ये काय की है भाभी, खुले थे ना यहाँ पे कड़ा में, खुले खुले लटक। अरे बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, मैं भी कल से आज से करूंगी जाके। यह लग रहा हूँ मस्त भाभी की, भाभी अपना घर दिखा रही है, बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम अच्छे से व्यवस्था कर रखी है भाभी ने। ये गुलाब की डूंगी, ये दीक्षा इधर गुलाब का पेड़ खड़ा है। भाभी बता ये 9 बजे कैसे लगाई है, बोतल में लटक रही है। 9 बजे बोलते ना, 10 बजे या 9 बजे जो भी है, ताई नहीं रही भाभी, अब शर्म आ गई, कोई बात नहीं हम फिर पूछ लेंगे भाभी से। तब पालतू है, बच के रही हो दीक्षा, नहीं पड़ जाए तुम्हें। फावड़ा चला के पायला डाल रही है खेतों में, और क्या कर रही है, टमाटर ले आया, टमाटर लगा रही हो भाभी।
अब टमाटर लेने आया करेंगे। पौध कर ली होगी ना? पौध भी कर ली है, ऐसे खड़ी है तो ऐसे लगवा ही देंगी पौध। भाभी आज ये लेने का आई, पूछो ना, मठा मांगने आई। यहाँ से मुझे उधर ऊपर जाना है रोड पे, मैं रोड दोस्तों आप लोगों को दिख रही होगी ना, इतनी दूर खींच के लेके आई है मुझे, जबरदस्ती कह रही है। उस दिन 25 रुपए भूल गई थी ना, चल आज 25 रुपए लूंगी, चल के मैंने कहा 25 रुपए मत लिए, वैन कुछ ले लिए तो कह रही चल वैन, तो आज बोल रही है आज फिर सरसों लेके जाएंगे, आज फिर कढ़ी बनाएंगे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कहा चल यार चल ठीक है, तो आज ही ले ले चल के, तो कह रही मैंने कहा और ज्यादा पैसे लेके चलना और मतलब मेरे को भी दुलवा देना कुछ, एक दो गड्डी लेंगे, तो कह रही नहीं 25 रुपए है उसमें 5 आ जाएंगे, दो तू ले लेना 3 मैं ले लूंगी। बहुत ज्यादा दिमाग चलाती है अपने आप में दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है मुझे सरसों की भुजिया, तो बहुत ज्यादा पसंद है और हम लोग खाते भी हैं और मार्केट से लेके खाते थे, अब यहाँ देख लिया तो एक बार इसने बना लिया, एक बार मैंने बना लिया, अब दोबारा आए तो आज लेके जाएगी ये और मैं भी लेके जाऊंगी दोस्तों। और इधर वो भाभी हैं जो मुझे मिली थी उस दिन, उधर कुछ कर रही है, पता नहीं क्या लगा रही है पेड़ पौधे, और उनके हस्बैंड भी हैं साथ में, बोल रही थी मेरे से आओ मेरे से मिलो आके, तो मैं अभी उधर पहुंची नहीं है दोस्तों, अब जाएंगे उधर भाभी के पास, भाभी से मिलेंगे दोस्तों, अब आप लोगों को मिलवाएंगे। जरा कुट गया यहाँ पे, ये गुलरा पड़ा, हमारे यहाँ गुलरा बोलते हैं उसको दोस्तों, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। तो अगर लेट जाओ एक बार, लेट भी गए ना तो इतनी किलकिली मस्ती है, दोबारा नहाने का मन करेगा, ऊपर से खत्म नहीं होगी, खुजली खुजली हो जाएगी एकदम अगर इस पे लेट गए तो। अगर बैठ गए भाई चांद, टमाटर की पौध है दोस्तों, ये पौध की है ना, इससे तो थोड़ा दवा लगाते होंगे इससे, ये वही लग रहा है मुझे, मसीन लग रही है। आज कुछ आने का मूड नहीं था, बस ऐसे ही चली आई हूँ मैं, दीक्षा सोची कि दीक्षा नाराज हो जाएगी, तो मैंने सोचा चलो यार, वैसे आज मेरा आने का मन नहीं था, मेरा मन खुद ही पता नहीं क्यों सुबह से, मैं सोच रही थी आज नहीं जाऊंगी, फिर बोली कि मैंने सुबह से खाना नहीं बनाया, चल बहन, तो मैंने सोचा चलो यार एक बार मना कर दिया तो बवाल हो जाएगा, ऐसा ही होता है दोस्तों हम लोगों में सच में। तो मैं बहुत खुश थी बहुत ज़्यादा, और मेरी चाबी खो गई यहाँ पे, फिर मैंने भाभी से बोला भाभी देख के आना कहाँ पे चाबी गिर गई, चाबी गिर गई उनके खेत में, और भाभी गई फिर चाबी ढूंढने के लिए, अभी मेरे को बोल रही है आ जाओ चाबी मिल गई है, और आज कुछ नहीं, दीक्षा ने तो फंसा दिया होता, मैं भूखी बैठी रहती अपने रूम के बाहर, और दीक्षा तो देती नहीं है मैं रोटी, ये तो मुझे पक्का पता था, ये नहीं पूछती एक बार भी खा लो कि नहीं। दोस्तों आप लोगों को पता हो किसी किसी ब्लॉग में तो इतनी बड़ाई होगी, दीक्षा मुझे हर कची देते है, खावे जेऊ देते वेऊ देते है, बोली तन फट जाए, बोरी उठा ले, बोरी मल ले सब जा। इतना खरीद खरीद के ले जा रही है, जो बन पॉलीथिन में बन आ रही दोस्तों, देख रहे हो अब अपनों लग गए दोनों, अरे भैया अपनी पॉलीथिन तो उठाई ले, हमारी पड़ी है। कह रही हम तभी सटक आए, हमने देख लिया था कि मेरे से बोलेंगी पॉलीथिन मेरी भी उठा लो। उधर भाभी हमारी गोभी लेके आ रही है, और गोभी कैसे लेके आ रही है, अरे मैया दो तीन तीन, एक मंगाई थी तीन ले आई, और जड़ से उखाल लाई, जानवर उठा लेंगी क्या ये, ए दराती से काट दी ने तो, ऐसे काटी जाती है गोभी, निकाली जाती है, ऐसे कह रही सू सटाक चलो बेबी बेबी, थैंक यू भाभी जी आइए। कैसा लगा बेटी तुझे आज भाभी बोली तो, इतनी काय दे रही है हमें, तुम 15 रुपए की जो है भाई दे दो, हम इतनी को खा, इतनी मत दो भाभी, अगर आपने इतनी दे दी ना तो आप अपने बना लो, या निकाल लो ले जा, तो एक मुझे दे रही है ना, दान में दे रही है भाभी। भाभी बाय, चलते हैं दोस्तों, हम फ्री सब्जी मिली हमें तो, इसने पैसे दिए मैंने नहीं दिए, भाई लूट लो तुम्हें, एहसान की बात ना है, लूट लेते थे मैं बीच बीच में। चुपचाप दे देना ये गोभी मेरी है, तो कह रही है तो ले लियो, फिर कह रही पहले कहने बताई थी जब दे रही थी तब, तो हम तीनों ले लेते, तीनों ले लेती, इतनी बेईमानी करने वाली है तुम्हें, तो लग रहा है ये ऐसे दे देगी, ऐसे नहीं देगी, जो देखने में जितनी भोली लगती है ना उतनी भोली नहीं है दोस्तों सच में, दोस्तन के नजरों में बहुत भोली हो तुम, ठीक है ना, हाँ जितने दोस्तों कमेंट करके बता देना आप, आज क्लियर ही बता देना, अरे लेके आ गया, अरे रे 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 कहाँ गए रे, अरे गिर गएगी जब पानी पानी नल को पानी पिए, कह रही आज नल को पानी पिलाए दे बहन, तब नहीं पी ले नल को, अच्छा है पानी ना, पिच रही है पानी पियन के लिए, अरे भाभी अब देखो कैसे पानी पिए, मुंह ना लगा दे हमें टोटी में, मुंह ही लगाए दे रही है।
अरे और पी ले, और पिएगी, और पी ले पानी। आई पानी पी ले, प्यास लग रही है। मतलब अपने यहाँ पीता तो ऐसा ना है, इतना हर जगह एक सा पानी नहीं है यहाँ पे। यार माँ कहाँ जा रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे, और रास्ता हम भूल गए हैं। हम इधर से निकलेंगे दोस्तों, ये दो ही दिन में रास्ता भूल गई। अगर चार पांच दिन होते तो पता नहीं क्या करती, समझ में नहीं आता। कह रही है मैं रास्ता भूल गई हूँ, अगर मैं नहीं होती तो क्या होता बेटी तुम्हारा, यही रहती तुम। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।